dear students now we will start the fill in the blanks of chapter 4 look at the board carefully and listen to me firstly we will read question our question is fill in the blanks first sentence is chess c h e s chess is a and dash game chess kong game hai indoor game chess is an indoor game i n d o o r indoor game let us read this sentence again chess is an indoor game let us read second sentence now a sport S-P-O-R-T sport is more कॉम्पिटिटिव सी ओ एम पी ई कॉम्पिटिटिव टी आई टी आई बी ई कॉम्पिटिटिव, दैन अ गेम जो स्पोर्ट है वो गेम के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है मीन्स हम जो गेम हैं वो तो किसके लिए खेलते हैं फन के लिए खेलते हैं इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं है. लेकिन जो स्पोर्ट होती है वो किसके लिए की जाती है कॉम्पिटिशन के लिए खेली जाती है

लेटस रीड द सेंटेंस अगेन क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट इज एंड आउटडोर गेम मैंने क्रिकेट लिखा है आप हॉकी भी लिख सकते हो फुटबॉल भी लिख सकते हो कबड्डी भी लिख सकते हो रैसलिंग भी लिख सकते हो जो भी आउटडोर गेम है उनमें से किसी का भी नेम लिख सकते हो फर्स्ट सेंटेंस चैस इज एंड इनडोर गेम Second, a sport is more competitive than a game. Third, cricket is an outdoor game. Dear students, let us read our fourth sentence Dash or H O P Hopes coach, S C O T C H Hopes coach, was a पॉपुलर पी ओ पी यू एल ए आर पॉपुलर मीन्स फेमस गेम जी ए एम ई गेम प्लेड बाय अवर फोर फादर्स स्टापू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं होप्स कुछ स्टापू जो है हमारे फोर फादर्स द्वारा खेले जाने वाला पॉपुलर गेम था मीन्स हमारे जो फोर फादर्स थे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे वो स्टापू खेलना पसंद करते थे लेट अस रीड दिस सेंटेंस अगेन स्टापू और होप कोच वॉज अ पॉपुलर गेम प्लेड बाय आवर फोर फादर्स आवर फिफ्थ सेंटेंस इज अ पर्सन पी ई आर एस ओ एन पर्सन हु प्लेज पी एल ए वाई एस प्लेज अ स्पोर्ट ज नॉन के एन ओ डब्ल्यू एन नॉन एज अट्स पर्सन एज पी ओ आर टी एस स्पोर्ट्स पर्सन पी ई आर एस ओ एन पर्सन एक ऐसा पर्सन जो स्पोर्ट खेलता है उसे क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं लेटर्स रीड देंटेंस अगेन अ परसन who plays a sport is known as a sports person spelling of sports person is s p o r t s sports person p e r s o n person fourth sentence tapu or hopscotch coach was a popular game played by our forefathers fifth and last sentence is

घर के ही क्लोज एरिया में खेला जाता है और सेकेंड सेंटेंस इज अ डैश इज मोर कॉम्पिटिटिव दैन अ गेम गेम की तुलना में कौन सा कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है किस में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है स्पोर्ट में अ स्पोर्ट इज मोर कॉम्पिटिटिव दैन अ गेम जो स्पोर्ट्स होती है स्पोर्ट्स पर्सन किस लिए खेलते हैं कॉम्पिटिशन के लिए खेलते हैं गेम हम क्यों खेलते हैं इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं और थर्ड सेंटेंस इज डैश इज एन आउटडोर गेम आप इसमें किसी भी आउटडोर गेम का नेम लिख सकते हो मैंने क्रिकेट लिखा है आप हॉकी भी लिख सकते हो फुटबॉल भी लिख सकते हो कबड्डी भी लिख सकते हो किसी भी आउटडोर गेम का नेम लिख सकते हो और फोर सेंटेंस इज डैश और होपकोच वॉज अ पॉपुलर गेम प्लेड बाई अवर फोर फादर्स होप्स कोच को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टापू स्टापू और हमारे फोर फादर्स द्वारा खेला जाने वाला पॉपुलर गेम था और फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस इज अ पर्सन हु प्लेज अ स्पोर्ट इज नोन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन एक ऐसा पर्सन जो स्पोर्ट खेलता है उसे क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं Dear students i hope you all have understood fill in the blanks very well if anything is not clear to you you can ask me in comment box